3 मई के उपरांत मंडी जिला प्रशासन ने शहर में आने जाने वाले लोगों को काफी छूट दे रखी है। अब मंडी शहर में आने जाने के लिए लोगों को किसी भी प्रकार के पास और परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोग शहर में सामान की खरीदारी के लिए आ जा सकते हैं। वहीं शहर के व्यापारी शहर के अंदर अपनी गाड़ी ला सकते हैं, मगर उन्हें गाड़ी पार्किंग में ही पार्क करनी होगी। ये सुविधा जिला प्रशासन ने व्यापारियों के लिए दी है, मगर शहर में आने वाले आम व्यक्ति शहर में अपनी गाड़ी नहीं ला सकते हैं। उन्हें शहर से बाहर गाड़ी पार्क करनी होगी और नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी एएसपी ने 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों से अपने अपने घरों में ही रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से भी आह्वान किया है कि वो नियमों का कड़ाई से पालन करें। देखिए, 3 मई के बाद कुछ एक रिलैक्सेशंस जो हैं वो लॉकडाउन के दौरान और दी गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें अभी एट प्रेजेंट ये है कि जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है व्हीकलर, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में, उसके ऊपर कोई पास या परमिट वाला इशू नहीं है, फ्री मूवमेंट है। और जो हमारे बाजार हैं वहाँ पर आने के लिए भी जो दुकानदार हैं उनकी भी जो गाड़ियाँ वो भी उसी के तहत फ्री आती हैं। मंडी शहर अगर हम खासकर इसकी बात करेंगे तो हमने मंडी शहर में ये प्रावधान किया है कि जो भी व्यापारी है वो अपना गाड़ी लेकर आएगा और उसको पार्किंग में खड़ी करेगा। उसके बाद जो लोग मार्केट आ रहे हैं वो अपने निजी सामान कोई खरीदना है आ रहे हैं, तो उसके लिए वाहन का प्रयोग जो है मंडी शहर में नहीं कर सकते। मंडी शहर की जो सीमाएं हैं जहां से हम उसको कवर कर सकते हैं उन पे हमने बैरिकेडिंग किया है और लोगों की कार्स वहीं पे पार्क कराते हैं सड़क के ऊपर हाईवे के पास साइड में, और आदमी पैदल चलकर जो अपना सामान खरीदता है। मंडी शहर में केवल वही गाड़ियां एंटर कर रही हैं 9 बजे से 2 बजे के बीच में जिनको मंडी शहर को क्रिस क्रॉस करना है, उसके आगे निकलना है, उन्हीं को हम खाली आना चाहिए। और कल इसी में हमने कड़ी में कल हमने खुद से एक बार सर्वे किया था तो देखा था कि जो मंडी शहर की कुछ गलियां हैं थोड़ी नारो गलियां हैं तो वहां पे कुछ एक टू व्हीलर्स की मूवमेंट थी, उस चीज को भी हमने चेक किया है और हमने अब गलियों में भी गाड़ियों की मूवमेंट जो वो बंद कर दी है टू व्हीलर्स की, ताकि पेडेस्ट्रियन जो है वो आराम से चल पाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग उनको मेंटेन करना है वो भी मेंटेन रहे। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर से अपील करना चाहते हैं, 2-3 दिनों से हम काफी देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल अच्छे से जिक्र किया गया है कि 65 वर्ष से ऊपर के जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं उनको बाजार में नहीं आना है। तो कुछ लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, अपनी दुकानें भी खोल रहे हैं, उनसे भी हम एक बार दोबारा आह्वान करना चाहते हैं कि वो कृपया करके घरों में बने रहें। और छोटे बच्चे भी जो हैं उनको भी माँ बाप जो हैं गाँव अपने साथ बाजार में लेकर आ रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको बच्चों को भी जो है अपने घर में ही रखें, उनको यूजलेसली बाजार में लेकर ना आए, अननेसेसरली बाजार में ना आए। जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं जैसे फेस कवर लगाना है या कहीं पे पब्लिक प्लेस में स्पिट करना है तो वो 111 हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत वो दंडनीय है, जिसमें जो प्रावधान है वो 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के जुर्माने के तौर पर है। और इसमें कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की भी जा रही है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जो करते हम करते रहेंगे।